परमेश्वर को मन्नत मांगनी थी। What is this law? ये मन्नत क्या थी? That he has cut his hair. कि उसे अपनी सर मुड़वाना पड़ेगा। When we come to Indian context. परंतु जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, then how do we relate this one? तो इसको कैसे हम संदर्भित करते हैं? You take like a Hindu religion. आप हिंदू धर्म को देखिए। They go to Balaji or Tirupati. वे बालाजी को जाएंगे या तिरुपति में जाएंगे? Both are same. They go there. वे वहां जाते हैं। They cut hair. और वो अपना सर मुड़वाते हैं। That's what they make a vow to that God. वो क्योंकि उनके देवी देवताओं को वो मन्नत मांगते हैं। There are there's a place in South India. दक्षिण में एक जगह है। And Roman Catholics go there. रोमन कैथोलिक लोग वहां जाते हैं। वेलंकरा। और उसे वेलंकरी कहते हैं। And they make a vow there. वहां पर वे मन्नत मांगते हैं। And they want to pay. और वे वहां पर उसे पूरा भी करते हैं। In our city. हमारे शहर में people go to Mount Meru. लोग माउंट मेरी के पास जाते हैं। In Bandra. तो बांद्रा में है। And they make a vow. वहां पर वो अब ये वचन को कैसे हम समझ सकते हैं? इस वचन को हम कैसे समझ सकते हैं? अलग अलग विद्वानों के पास अलग अलग उनकी सोच विचार है, उसमें सकोर में आप नहीं जाएंगे। Why Paul never bowed here? Paul ने यहाँ मन्नत क्यों मानी? Same apostle Paul was not much cared for the tradition. यही पॉल थे। कई बार हम देखे हैं कि विधि रिवाजों को तुच्छ जानता है। प्रतिमती से यू थ्रो सर्कमसाइज योरसेल्फ। इगो जिसको कहता है कि जाकर तू मत डाले। बट टाइटस ही सेड डोंट गेट सर्कमसाइज। इसको बोलता है कि तू पत्ता मत करना। सो द सेम अपोस्टल पॉल यही पॉल उस पर हु हैज नॉट फॉलो द ट्रेडिशन वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस टू द ट्रेडिशन ऑफ ज्यूइश ट्रेडिशन। जो यहूदी लोगों के रीति रिवाजों को ज्यादा मायने नहीं देता था।